तो पहले जो आप प्रूफ देख लो, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मैंने पहले फर्स्ट में वीडियो बनाया था अपने लैंग्वेज में बनाया था, छत्तीसगढ़ किसान मतलब मिल ही 6000 रुपया। तो इस पे जो है दोस्तों 38 व्यूज़ है, मात्र 38 व्यूज़। इसको मैंने जो है 4 महीने पहले डाला था, तो जो है दोस्तों इस पे जो है कम व्यूज़ है। लेकिन जो है दोस्तों अगर आप जो है दूसरे नंबर के वीडियो की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ 1800 व्यूज़ बता रहा है, और तीसरे नंबर के वीडियो की बात की जाए 361, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 61 व्यू आया, इसके बाद 5 व्यू आया, उसके बाद 6 व्यू आया, इसके बाद 53 आया, उसके बाद 156 आया, उसके बाद 1600 आया, उसके बाद 267 आया, उसके बाद 187 आया, उसके बाद 2400 आया, उसके बाद 44 आया। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो जिस वीडियो की मांग है, ठीक है, जो वीडियो की मांग है यहाँ पर देख सकते हैं सारा का सारा वीडियो मेरा है। इस पर जो है सब्सक्राइबर की बात की जाए तो 350 लगभग वो सब्सक्राइबर है, अभी जो सब्सक्राइबर बढ़े हैं। लेकिन जीरो व्यूज़ पे देखिए दोस्तों इतना सारा व्यूज़ आया है, जीरो सब्सक्राइबर इतना सारा व्यूज़ आया है। तो मैं जो है इस प्रकार से व्यूज़ लेके आ सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं ला सकते? तो आपको लाना कैसे है, आप किस प्रकार से लाएंगे, पूरी प्रोसेस जो है इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर मेरा सारा का सारा व्यूज़, यहाँ पर देख सकते हैं किसी वीडियो पर व्यूज़ की कमी नहीं है। एक आध दो वीडियो होगा जो व्यूज़ की कमी है, लेकिन जो है जीरो सब्सक्राइबर पर मैंने इतना सारा व्यूज़ लेके आया। आप देख सकते हो इतना सारा वीडियो है मेरा, ठीक है, इसमें 20-24 वीडियो यहाँ पर डाला हुआ हो, लेकिन कोई में भी ऐसा एक आध वीडियो होगा जो इसमें कम व्यूज़ होगा। लेकिन सब में इसमें कहा जाए बहुत सारे वीडियो में 4-5 वीडियो ऐसा होगा जो व्यूज़ नहीं आया है। लेकिन जो है दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत सारे वीडियो ऐसा है जो जिसमें जो है 1000 से पार है और जो है 500 से भी पार है। तो आप जो है इस प्रकार से व्यूज़ आप ला सकते हो। ये जो है आपके लिए प्रूफ दिखाने के लिए बस इसको बता रहा हूँ। आगे जो है आपको वीडियो में बताऊँगा किस प्रकार से मैंने जो है व्यूज़ लाया और जो है किस प्रकार से जो है मैं काम करता हूँ, पूरा जानकारी आगे वीडियो में बताऊँगा। तो आप लोगों ने देख लिया कि जीरो सब्सक्राइबर में व्यूज़ कैसे बढ़ाया जाता है नया चैनल पे, नया यूट्यूबर लोग कैसे बढ़ाएंगे, किस प्रकार से बढ़ाएंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार चौहान आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल इसके टेक्निकल पर। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल करके प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ सबसे पहले जो है आप लोगों को अपडेट मिल जाए। दोस्तों बता दूँ कि जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने पहले आपको प्रूफ बताया किस प्रकार जो है मैंने जो है एक नए चैनल पे जो है किस प्रकार से जो है जीरो सब्सक्राइबर से लेके 450-350 तक मैंने किस प्रकार से जो है उस पे व्यूज लाया, आप देख सकते हैं। आप मैंने बता दिया, पहले भी आपको प्रूफ बता दिया, तो जो है आपको प्रूफ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको जो है विश्वास भी हो गया होगा, और जो है विश्वास होने के साथ साथ आपको यकीन भी हो गया होगा किस प्रकार से ये मैं जो है व्यूज लेके आया। अगर आप भी एक नए यूट्यूबर हो और जो है आप भी चाहते हो कि अपने नया चैनल पर जो है जीरो सब्सक्राइबर से लेकर जो है आप जीरो सब्सक्राइबर में भी आप व्यूज़ कैसे ला सकते हैं, तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो वीडियो पे लास्ट तक जरूर बना रहेगा, तब आपको पूरी समझ आएगा किस प्रकार से जो है आप जीरो सब्सक्राइबर स्टार्ट करके जो है आप आसानी से जो है 400-500-1000 व्यूज़ लेके आ सकते हैं अपने पर वीडियो पर। तो आप यहां से एक एक पॉइंट को नोट करते जाइए, तब आपको पूरी समझ आएगा। मैं 4-5 पॉइंट या 2-3 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों को जीरो सब्सक्राइबर में जो है व्यूज़ कैसे लाना है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, इस बात को आप ध्यान में रखिए, जैसे कि आप वीडियो जो भी वीडियो आप बनाते हैं जैसे कि कोई भी वीडियो बना लिए आप, चाहे आप गेमिंग के ऊपर वीडियो बनाते हैं, चाहे आप जो है कॉमेडी के ऊपर वीडियो बनाते हैं, चाहे आप टेक के ऊपर वीडियो बनाते हैं, चाहे आप रेसिपी के ऊपर वीडियो बनाते हैं, कोई भी आप वीडियो बनाते हैं, तो मेन बात यह है कि आपका टाइटल, ठीक है, मेन बात यह है कि आपका टाइटल कैसा होना चाहिए। टाइटल जैसे कि मान लो के बाद आप टेक वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, टेक वीडियो बना रहे हैं, तो ऐसे जो है टाइटल को लिखिए आप, टाइटल को ऐसे लिखिए कि लोग जो है टाइटल को भी देख के लोग क्लिक करते हैं वीडियो पे, थंबनेल को देख के तो क्लिक करते ही करते हैं। लेकिन जो है आपके टाइटल को भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपके थंबनेल दिखाया जाता है और शुरू के कुछ टाइटल दिखाया जाता है, तो इस प्रकार से टाइटल लिखिए कि टाइटल देख के लोग क्लिक करें आपके वीडियो पे। तो मैंने जो है ऐसा ही कुछ किया था, जो मैंने वीडियो बताया था आपको, ऐसे ही कुछ किया था टाइटल में और जो है थंबनेल में, इसी कारण से इसमें इतना व्यूज़ आ गया है। तो आप भी ऐसे कुछ कीजिए तो आपका भी व्यूज़ आएगा और जो है आपको भी बहुत सारे सब्सक्राइबर मिलेंगे, बहुत सारे व्यूज़ मिलेंगे। मैं जो वीडियो बनाया था, देखिए पिछले जो मैंने वीडियो बनाया था, आप वीडियो उसमें नहीं डाल रहा हूँ फिलहाल के लिए आपको प्रैक्टिकली, उसमें मैं जो है
पैटली करने के लिए जो है उस पर वीडियो डाल रहा था, ठीक है, मतलब एग्जांपल मतलब आपको दे सकूं, इसलिए जो उसमें मैंने बहुत सारे वीडियो बनाकर देखा उसमें किस प्रकार से व्यूज लाते हैं, उसमें मैं कभी कभी वीडियो डालता हूं, उसको आप सब्सक्राइब उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें जो पीएम किसान संबंधित जो रिलेटेड जितने वीडियो हैं उसमें मैं डालता रहता हूं, तो उस चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको बहुत सारे यूट्यूबर ने बताया होगा कि जो है थंबनेल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप थंबनेल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। थंबनेल पे क्या ध्यान देना है आपको, जैसे कोई आप वीडियो बनाए, ठीक है, जैसे आप कोई वीडियो बनाए, जैसे कि आप मान लो रेसिपी के बारे में वीडियो बनाए या तो जो है कॉमेडी के बारे में वीडियो बनाए, तो आप उसमें क्या लिखोगे, क्या लिखने वाले हो, ठीक है। थंबनेल कैसे बनाते हैं आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन उस पर क्या लिखना है, क्या टेक मतलब क्या वर्ड लिखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या वर्ड डालोगे तो लोग उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे कि मान लो बाद मेरे वीडियो पे आपने देखा किस प्रकार से मैंने जो है थंबनेल लगाया था, उसी प्रकार से जितना कम वर्ड हो सके, ठीक है, जितना कम वर्ड हो सके उतना ही वर्ड डालिए, ताकि लोग उसको जो है देखे और जो है देख के जो है क्लिक करने में मजबूर हो जाए। अब मजबूर हो जाए तो वीडियो के अंदर इतना क्वालिटी कंटेंट दीजिए, जैसे कि दोस्तों आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, आपको अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन जो है दोस्तों क्वालिटी कंटेंट इतना अच्छा दीजिए कि लोग जो है वीडियो पर रुके, ठीक है, वीडियो पर रुके और जो है आपके वीडियो को पूरा देखे, ठीक है। जैसे कि 5 मिनट को वीडियो बनाया तो कम से कम वो 3 मिनट तक रुकना चाहिए। जब 3 मिनट तक आपका वीडियो पर रुक जाता है, 3 मिनट तक आपके वीडियो पर रुक जाता है, तो आपको जो है आपके जो वीडियो है, आपके जो वीडियो आपने अपलोड किया है, जो वीडियो बनाया है, अगर 3 मिनट हर बंदा रुक जाता है 5 मिनट की वीडियो पर, तो जो है उस वीडियो को वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप जो है अपने जीरो व्यूज से अपने व्यूज को जो है आसानी से आप इस प्रकार से आप बढ़ा सकते हैं। बात करते हैं अगली पॉइंट की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये जीरो सब्सक्राइबर से लोग जो है दोस्तों जीरो सब्सक्राइबर से स्टार्ट किए हो और नए यूट्यूबर हो, तो आपको ये जो है पॉइंट को भी नोट कर लेना चाहिए। ये पॉइंट जो है दोस्तों आपको नोट कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में मतलब यूट्यूब पर काम करते हैं तो ज़िंदगी में बहुत सारा काम आएगा। क्या है दोस्तों बता दें, देखिए दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं, ठीक है, एक छोटे यूट्यूबर हैं या तो आप मीडियम साइज के यूट्यूबर मेरे तरह यूट्यूबर हैं, तो आपको जो है ये पॉइंट नोट करके रखना चाहिए। अगर ये पॉइंट नोट कर लेते हैं तो ज़िंदगी में हमेशा काम आएगा। देखिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन लिखना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिखना, डिस्क्रिप्शन जो है लिखा रहता है, ठीक है, अगर आप बात की जाए डिस्क्रिप्शन, बहुत सारे आप बोलोगे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं डिस्क्रिप्शन लिख भी नहीं करते हैं, ठीक है, लिख भी नहीं करते हैं, तो उनका जो है वीडियो कैसे वायरल हो जाता है। देखिए तो इत्तेफाक की बात है, वो जो है वीडियो इत्तेफाक की बात है, इत्तेफाक से वायरल हो जाता है। लेकिन जब आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, अच्छे से अच्छे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, देखिए दोस्तों मेरे अभी जाइए डिस्क्रिप्शन जाइए और देखिए चेक कीजिए किस प्रकार से मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा है। पहले सबसे फर्स्ट में क्या लिखा है, मैंने अपने टाइटल को डाला है, जो अब मैं टाइटल इस वीडियो पे ला रहा हूँ वो टाइटल सबसे फर्स्ट में मिल जाएगा। उसके बाद क्यूरीज करके या तो क्यूरियस करके डाला हूँ या तो कुछ डाला हूँ, यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर मतलब डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, और जो चेक करने के साथ साथ जो है आप इस पर देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा है। इस प्रकार से आपको डिस्क्रिप्शन भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद अबाउट लिखना है। अबाउट लिखने के बाद दोस्तों आपको जो है अपना सोशल मीडिया का जो है सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, जिसका भी हो लिंक यहाँ पर डालना चाहिए, और जो है अपने वीडियो पुराने जो वीडियो हैं, ठीक है, पुराने जो वीडियो हैं प्लेलिस्ट हो चाहे वीडियो हो उसको भी डालना है, और जो है दोस्तों अपने वीडियो का जो वीडियो आपने बनाया है, ठीक है, जो वीडियो आपने बनाया है, जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ उसके बारे में 2-4 शब्द वहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर 5000 वर्ड दिए जाते हैं, तो 5000 वर्ड को जो है पूरा नहीं कर सकते, लेकिन जो है उसमें से 2-3 हज़ार तो आसानी से आप पूरा कर सकते हो। तो आप डिस्क्रिप्शन को भी ध्यान दीजिए, डिस्क्रिप्शन को ध्यान देते हैं दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में भी फर्क पड़ता है, वहाँ पर बहुत सारे क्यूरीज भी डाल सकते हैं, 8-10-15 क्यूरीज भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है आप इस प्रकार से मेरा डिस्क्रिप्शन जो लिखा है मैंने जो डिस्क्रिप्शन लिखा है, इस प्रकार से आप डिस्क्रिप्शन भी लिखना स्टार्ट कीजिए। अगले जो पॉइंट बात है दोस्तों ये है टैक्स रिलेटेड, जो टैग जो डाले हो दोस्तों, टैग क्या डालना है आपको। देखिए दोस्तों आप टाइटल डाले हो, ठीक है, टाइटल डाले हो, डिस्क्रिप्शन डाल लिया, अब जो है टैग की बारी है, टैग आपको कैसे डालना है। टैग जो है दोस्तों आपको उस हिसाब से टैग डालना है जो आपका वीडियो है, ठीक है, जो आप मैंने मान लो टैग के बारे में वीडियो बनाया, अभी जो वीडियो बना रहा हूँ कि जो है जीरो सब्सक्राइबर में व्यूज कैसे बढ़ाएं, ठीक है, इस प्रकार से मैंने डाला, तो ये जो है एक टैग हो गया, इस टैग को हमको डालना है। एक तो टैग में भी डालना है और डिस्क्रिप्शन में भी डालना है और टाइटल में भी मैं डाल दूंगा, ठीक है, टाइटल में डालूंगा ही, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आपको डालना है और टैग में भी डालना है। तो टैग कहाँ से मिलेगा, टैग दोस्तों आप कहीं से भी डाल सकते हो, कहीं से भी सर्च करके डाल सकते हो या तो कहीं से ले सकते हो, जहाँ से भी आपका आप अपने हिसाब से बना सकते हो कि इस वीडियो को कैसे सर्च किया जाएगा। जैसे कि आप टैग डाल रहे हो, ठीक है, जो भी टैग डाल रहे हो तो जो है इस वीडियो को और कैसे कैसे सर्च करेंगे लोग, ठीक है, उसके बारे में सोचिए। जैसे कि दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया कि जो है हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर, ठीक है, हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर के वीडियो बनाए, तो उस पर जो है लोग क्या क्या सर्च करेंगे, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ता है,
सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाना है, इस प्रकार से लोग सर्च करेंगे। और जो है उस प्रकार से आपको टैग भी डालोगे, टैग जैसे डालोगे दोस्तों तो आपको जो है उस प्रकार से टैग जो सर्च होगा तो आपके वीडियो जब आएगा ऊपर में आएगा या किसी को रिकमेंड करेगा तो जो है टैग सर्च में आने लगेगा तो आपका वीडियो जो है ऊपर आने उड़ता जाएगा। तो इस प्रकार से आप टैग भी डालिए। आप लोगों ने जो थंबनेल डाल लिया, डिस्क्रिप्शन डाल लिया, टैग भी डाल लिया, टाइटल भी डाल दिया, चार काम कर लिए। अब जो है दोस्तों आपको ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब क्या है, अब ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप जब वीडियो बनाते हैं, जब भी आप वीडियो बनाते हैं तो उस पे उच्च नीच पे वीडियो बनाइए। जैसे कि दोस्तों आप एक नीच पे काम करते हैं, जो मैं तो हज़ारों नीच में काम करता हूँ, मेरा तो कोई एक नीच नहीं है, ठीक है। लेकिन जो दोस्तों आप नीच पकड़ लेते हैं, जो भी नीच पकड़ लेते हैं उस नीच पे काम कीजिए। और जो है उस टाइटल टैग पे वीडियो बनाइए जो है सबसे सर्चेबल ज़्यादा हो, ठीक है। जो सर्चेबल ज़्यादा हो उस पे आप वीडियो बनाते हैं तो जो है होता यह है कि आपका वीडियो ज़्यादा चलने लगता है, ठीक है। जिस पे कम वीडियो बना हो आप सर्च कीजिए ट्यूब या तो वीडियो जो भी आप एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, मैं फिलहाल मैं ट्यूब एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ तो उससे मेरे को पता चल जाता है। लेकिन जो है जो आप सर्च कीजिए कि किस टैग पे आपको वीडियो बनाना चाहिए, किस पे आपको जो किस टाइटल पे आपको वीडियो बनाना चाहिए। आपका जो है टाइटल जो है मेन होता है, तो यहाँ पर कौन सा टाइटल भी कितना सर्चेबल है यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आप चेक करके आप वीडियो बनाते हैं तो जो है दोस्तों आपको जो है सर्चेबल ज़्यादा रहेगा, ठीक है। सर्चेबल ज़्यादा रहेगा, वीडियो बनाने कम रहेंगे, देखने वाले ज्यादा रहेंगे तो आपके वीडियो जो है ज्यादा चलेगी। तो आप इस प्रकार से जो है आप सर्च कीजिए ट्यूबडी पे हो चुका है वीडियो आई को, कोई भी एक ले सकते हैं, वीडियो आई को ले सकते हैं या तो ट्यूबडी भी ले सकते हैं। तो मैं ट्यूबडी लेता हूं, ठीक है। ट्यूबडी जो है अच्छा लगता है मेरे को और जो है इसको मैंने परचेस नहीं किया है फिलहाल तो। लेकिन जो है दोस्तों आप ट्यूबडी का जो है यूज कर सकते हैं, और जो ट्यूबडी को यूज करते हैं दोस्तों तो आपको उसमें यह पता चलता है, ट्यूबडी का एप्लीकेशन भी आता है, एक्सटेंशन भी आता है। तो आप जो है एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं, एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं या तो एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन में दोस्तों आपको जैसे कोई कीवर्ड डालोगे, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं मैं कीवर्ड डाल के बता देता हूँ। जैसे कोई कीवर्ड डालोगे, कीवर्ड कहने के मतलब कोई भी टाइटल डालोगे, ठीक है। जब टाइटल डालोगे दोस्तों तो होगा ये कि जो है कितना सर्च है ये बताएगा, कितना इस पर कंपटीशन है ये बताएगा, कितने लोग देख रहे हैं इसको देखना चाह रहे हैं ये बताएगा, परसेंटेज बताएगा इस पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट देने की कोशिश करूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप अपने वीडियो को जो है बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में तमाम दोस्तों में शेयर करना। अगर मन में भी कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे है और जो टेलीग्राम का लिंक भी नीचे है, तो मेरे से बात भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।